गाइस फाइनली आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं रेडमी नोट सीरीज के अपकमिंग स्मार्टफोन रेडमी नोट 10 प्रो स्मार्टफोन को लेके। गाइस रेडमी नोट 10 प्रो को लेके काफ़ी सारे न्यूज़ एंड लीक्स निकल के सामने आ चुका है। जैसे कि रेडमी नोट 10 प्रो स्मार्टफोन इस बार 5G नेटवर्क के साथ आने वाला है एंड साथ ही साथ स्मार्टफोन के अंदर 108 मेगापिक्सल पेंटा कैमरा एंड सेटअप मिलने वाला है। तो आगे इस वीडियो में इसी रेडमी नोट 10 प्रो का बाकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूंगा, जो एक्सपेक्टेशन है एंड साथ ही साथ स्मार्टफोन को कब तक कितने प्राइस के अंदर इंडिया मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। सो अगर आप इंटरेस्ट हो रेडमी नोट 10 प्रो स्मार्टफोन के बारे में जानने के लिए सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक पूरा देखना एंड प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। सो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेडमी नोट 10 प्रो स्मार्टफोन का डिज़ाइन को लेकर। तो गाइस इस बार एकदम न्यू डिज़ाइन के साथ आने वाला है रेडमी नोट सीरीज का नए स्मार्टफोन रेडमी नोट 10 प्रो। इसमें आप देख पाएंगे फ्रंट एंड बैक साइड फुल्ली ग्लास बॉडी, कॉर्निंग ग्लास टाइप का प्रोटेक्शन के साथ, ग्रेडियंट कलर होगा पीछे की तरफ, जिसके अंदर आपको पीछे की तरफ पेंटा कैमरा सेटअप यानी कि 5 कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसका मेन प्राइमरी सेंसर होगा 108 मेगापिक्सल का। तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर मिलने वाला है जो प्राइमरी सेंसर एंड बाकी जो 4 सेंसर मिलेगा अल्ट्रा वाइड एंगल डेप्थ सेंसर एंड मैक्रो लेंस एंड टेलीफोटो लेंस, टोटल आपको 5 कैमरा सेटअप मिलने वाला है। फ्रंट में आप देख पाएंगे 6.6 इंच का सुपर एमोलेड पैनल डिस्प्ले, जिसके अंदर फुल एचडी प्लस का रेजोल्यूशन जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले आएगा। डिस्प्ले में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलने वाला है। तो गाइस डिस्प्ले यहां पे आपको पंच होल कैमरा के साथ आएगा जो सिंगल पंच होल कटआउट डिस्प्ले होगा, जिसके आपको 32 मेगापिक्सल या फिर 44 मेगापिक्सल का दोनों में से कोई भी एक सेल्फी कैमरा आपको मिलने वाला है स्मार्टफोन के अंदर। अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का जो मेन हाई मेन जो फीचर स्मार्टफोन का प्रोसेसर को लेकर। गाइस जैसे कि ये स्मार्टफोन 5G नेटवर्क के साथ लॉन्च होगा, यानी कि स्मार्टफोन के अंदर आपको 5G चिपसेट मिलने वाला है एंड ऐसा लीक सामने आया कि स्नैपड्रैगन का 5G चिपसेट मिलेगा। तो यहाँ पे अगर स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर देगा तो ये स्मार्टफोन बजट स्मार्टफोन नहीं होगा, एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन हो जाएगा एंड काफ़ी प्राइस भी हाई हो सकता है। तो ऐसे में जो स्नैपड्रैगन 765 मिड रेंज एंड बजट प्राइस के लिए 5G चिपसेट लॉन्च किया है स्नैपड्रैगन की तरफ से, वही चिपसेट मिलने वाला है इस स्मार्टफोन के अंदर स्नैपड्रैगन 765 जो काफ़ी पावरफुल के साथ काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, 5G नेटवर्क को सपोर्ट करता है एंड जो वेरिएंट मिलेगा 4GB 64GB एंड 6GB 128GB स्टोरेज के साथ। बैटरी मिलेगा 4400mAh का बैटरी विथ टाइप सी पोर्ट एंड 33W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने वाला है। तो गाइस रेडमी नोट 10 प्रो स्मार्टफोन ना 15,000 से 17,000 का अंदर लॉन्च होगा इंडिया मार्केट में एंड इस स्मार्टफोन का प्राइस बहुत ही अच्छा है एंड इस प्राइस के अंदर अगर 5G स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 765 एंड 108 मेगापिक्सल कैमरा साथ साथ लॉन्च होगा तो ये स्मार्टफोन बेस्ट बजट क्लियर स्मार्टफोन हो सकता है। गाइस इस वीडियो में रेडमी नोट 10 प्रो स्मार्टफोन के बारे में इतना ही। गाइस वीडियो देने के बाद शुक्रिया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सभी फ्रेंड को शेयर कर दीजिए एंड गाइस अगर हमारे चैनल में नए हैं वो वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो लाऊंगा आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। थैंक यू गाइस, जय हिंद।